अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादियों में बनने वाला चिकन खोरमे की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेना है, उसमें ऑयल को ऐड कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद बारीक बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। नेक्स्ट हमें चाहिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक कप दही, 10 से 12 काजू को मैंने भिगोकर दूध और फ्रेश क्रीम ऐड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। फ्राइड ऑनियन को हाथ से स्मैश कर लिया है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद चिकन को ऐड कर लेंगे। चिकन को ऐड करके अच्छे से ऑयल में हमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर रही हूँ, उसको भी ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ कैप्सिकम को ऐड कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। अब हम यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, धनिया, गरम मसाला और चिकन मसाला। अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद दही को ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करते वक्त गैस के फ्लेम को स्लो कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर काजू के पेस्ट को ऐड कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके सब कुछ 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर फ्राई किया हुआ ऑनियन को ऐड कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। हमारी चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टेक टेक।